नमस्कार दोस्तों, सिनेमास्कोप रेकमेंड्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील और आज हम बात करेंगे एक कम चर्चित मगर देखने लायक अच्छी फिल्म की। हालांकि ये फिल्म थोड़ी सी पुरानी है, पर अगर आप सस्पेंस थ्रिलर टाइप की फिल्में पसंद करते हैं तो ये फिल्म हम आपको रेकमेंड करते हैं। और ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए ये मैं बताऊंगा आज के एपिसोड में, तो बने रहिए मेरे साथ सिनेमास्कोप रेकमेंड्स में। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों रेडियो प्लेबैक इंडिया। छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर। अदालत में बंद रघुराम सिंह पर आरोप है कि उसने अपनी बीवी सिंदूरा से मारपीट की, लेकिन उसका कहना है कि सिंदूरा उसे फंसाना चाहती है। उधर सिंदूरा का कहना है कि रघुराम झूठ बोल रहा है। रघुराम का वकील मानस वर्मा कंफ्यूज्ड है कि किसे सच माने। तफ्तीश के दौरान उसे कुछ और संदिग्ध बातें पता चलती हैं, कुछ और संदिग्ध हरकतें होती हैं, कुछ और संदिग्ध लोग सामने आते हैं, और अंत में जब राज खुलता है तो माय क्लाइंट्स वाइफ ये एक सस्पेंस थ्रिलर है। और किसी सस्पेंस थ्रिलर के लिए ये जरूरी है कि उसमें जो सस्पेंस रचा गया है वो ढीला पड़े बिना तब तक बना रहे जब तक कि खुद कहानी उसे न खोल दे। इस मोर्चे पर ये फिल्म पूरी तरह से कामयाब नजर आती है। आप सोचते रहते हैं कि सामने स्क्रीन पर जो हो रहा है उसके पीछे का सच क्या है, क्या जो नजर आ रहा है वही या फिर जो नहीं दिख रहा है वो। बीच बीच में आप कयास लगाते हैं कि अंत में ये वाला सच सामने आएगा या वो वाला, लेकिन जब आप खुद ही बार बार अपने कयास बदलने लगे और पाए कि सच के इस चेहरे के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं था, तो ये लेखक की सफलता है। एक थ्रिलर के तौर पर भी ये फिल्म आकर्षित करती है। हर पल कुछ अनहोने कुछ अनजाने का भय बना रहता है। दर्शक दम साधे पर्दे को ताकता रहे और बीच बीच में चौंकते हुए अंत में भौंचक्का रह जाए तो ये निर्देशक की सफलता है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ सस्पेंस और थ्रिलर ही नहीं परोसती, ये पति पत्नी की आपसी रिश्तों पर भी कमेंट करती है, उन रिश्तों में आ रहे खोखलेपन को भी खंगालती है। और जब ये दर्शक को भी इस बारे में सोचने पर मजबूर करें तो ये लेखक और निर्देशक दोनों की सफलता है। अपनी लिखी और बनाई तीन शॉर्ट फिल्मों से करोड़ों दर्शक बटोर चुके प्रभाकर मीना भास्कर पंत ने इस फिल्म से फीचर फिल्म के मैदान में एक मजबूत कदम रखा है। कहानी कहने की उनकी शैली में रोचकता है और दृश्य गढ़ने के उनके उपक्रम उन्हें बड़े निर्देशकों की कतार में ला खड़ा करते हैं। कहीं कहीं वे एडिटिंग को थोड़ा और कस पाते तो यकीनन इस फिल्म का रूप और निखरता, संवादों को भी और पैना किया जा सकता था। कैमरा इस फिल्म का एक और मजबूत पक्ष है। इसे देखते समय कहीं कहीं राम गोपाल वर्मा की कौन याद आती है, और जब पता चलता है कि इसके सिनेमाटोग्राफर वही मजर कामरान हैं जिन्होंने रामों की सत्या और कौन जैसे फिल्मों का कैमरा संभाला था, तो हैरानी नहीं होती। इस किस्म के फिल्मों में गाने अच्छे नहीं लगते, यहां भी नहीं है, लेकिन एक दृश्य में प्रख्यात बंडवानी गायिका तजीन बाई का आना न सिर्फ रुचता है बल्कि फिल्म के मिजाज को भी सपोर्ट करता है। सिंदूरा बनी अंजलि पाटिल, रघुराम बने अभिमन्यु सिंह और वकील के रोल में शारिफ हाशमी अपने अपने किरदार में समाये नजर आते हैं। गिरीश सहदेव, विशाल ओम प्रकाश, मजहर सैयद, दीपेश शाह, अनुष्का सिंह, भास्कर तिवारी जैसे अन्य कलाकार भरपूर साथ निभाते हैं। अब ये फिल्म Amazon Prime पर भी मौजूद है जहां आप इसे देख सकते हैं। सो एंजॉय योर वीकेंड। और आपको बता दूं कि रेडियो प्लेबैक इंडिया के लिए इस आलेख को लिखा है सिनी यात्रा वाले सुप्रसिद्ध फिल्म समीक्षक दीपक दुआ ने। तो अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी सुशील को दीजिए इजाजत। मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए रिकमेंडेशन के साथ।